ये तो बात हुई हीमोडायलिसिस की, जहाँ पर आपने एक्सप्लेन करा कि कैसे एक दूसरे की मदद से और बाकी जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनकी मदद से, हाँ आज साइंस ने भी तरक्की करी है कि लोग कंफर्टेबली इस ये डायलिसिस हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। सर किसने भी, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट हियर, जब मैं कह रहा था कि हमारी क्वालिटी डायलिसिस की इंप्रूव की है, आई विल टेक यू बैक टू सम वेरी प्रिमिटिव वेज ऑफ डायलिसिस, बट याद रखिए वो डायलिसिस भी ढेर सारी लाइफ्स बचाने में कामयाब था एक तरह से, वो भी तब भी इवन इन 1980s व्हेन आई वाज फर्स्ट विटनेस टू व्हाट डायलिसिस प्रोसेस इज, इट वाज लाइक अ मैजिक व्हिच एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू बिकम अ नेफ्रोलॉजिस्ट इन फ्यू फॉर्स ऑफ टाइम, इट वाज लाइक अ मैजिक इन दोस वर्ड्स। लेकिन तब एसिटेट डायलिसिस होता था, एसिटेट डायलिसिस में इंसान को कहीं उल्टियां आती थी, तबीयत खराब रहती थी, अगले दिन अच्छे हो जाते थे। फिर एसिटेट बिकेम बाइकार्बोनेट डायलिसिस, इनोवेशन थी। जो डायलाइजर था आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं, उसकी क्वालिटी में आज जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। जो जो प्रॉब्लम आई साइंस ने उसको ओवरकम किया, इनोवेट किया, एंड वी हैव रीच्ड टू दैट हीमोडायलिसिस। अब हमने हीमोडायफिल्ट्रेशन की तरफ चले गए, द नेक्स्ट प्रोसेस, द अल्टीमेट। आज की डेट में वी आर ब्लेस्ड, और हमने इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इंट्रोड्यूस किया था ऑलमोस्ट लाइक 7 years अगो प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायफिल्ट्रेशन। मैंने बोला कि एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है डिफ्यूजन, जिसकी हम हेल्प लेते हैं। हीमोडायफिल्ट्रेशन में हम डिफ्यूजन के साथ साथ कन्वेक्शन का भी हेल्प लेते हैं। कन्वेक्शन इज लाइक कि आपने एक बाल्टी पकड़ी और पानी की और पूरा फर्श को आपने धो डाला, सो इट इज लाइक कि आपने कन्वेक्शन जोर से डाला और उसके साथ पानी के साथ साथ जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स थे, जो मिडल मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं, वो भी धो डाले हमने, क्योंकि वो जो मिडल मॉलिक्यूल्स थे वो डिफ्यूजन के साथ नहीं निकल पा रहे थे। डिफ्यूजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को निकाल देता था, लेकिन बड़े, इट इज लाइक सेइंग जो छोटे छोटे जो कंक्रीशंस थी वो तो निकल गई, लेकिन जो जो पत्थर थे बड़े बड़े, वो तो आप जब पानी आपने डाला, धो डाला उसको, तो वो भी निकल गया। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ हीमोडायफिल्ट्रेशन, जो अब हम वी कैन सी इन द लास्ट 7 years देयर हैज बीन अ सी डिफरेंस इन द वे वी लुक एट आवर डायलिसिस पेशेंट्स। वी लुक एट देयर क्वालिटी, मार्वेलस नाउ। मतलब जो पहले उनको इचिंग नहीं ठीक हो रही, उनके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाते थे, कभी उनका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होता था, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी, अब उनका इंसिडेंस इन वाले हीमोडायफिल्ट्रेशन के ऊपर काफी कम हो गया है। सो एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग, और ऐसा नहीं है कि हीमोडायफिल्ट्रेशन ही ठीक है, इवन जो कन्वेंशनल डायलिसिस है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो चुकी है कि उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छे हो चुके हैं। जी सर, सही तो बात है हीमोडायलिशन की, और जैसे आपका हीमोडायफिल्ट्रेशन की, तो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है वो किन पेशेंट्स में, वो कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में आप रिकमेंड करते हैं? तो इससे भी मैं पहले आपको बताऊंगा एक कॉमन मिथ और मिसकंसेप्शन जो लोगों में है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट्स में है, इवन अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स के मन में भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन नेफ्रोलॉजिस्ट। किसी को आप बताओ कि पेरिटोनियल डायलिसिस, जैसे कि मैंने बोला एक स्पेशल कैथेटर होता है जो जो आधा तो पेट के अंदर है, जो पेरिटोनियल कैविटी में है, और सिर्फ इतना सा बाहर होता है जो कि पेट के साथ स्ट्रैप्ड रहता है, उसमें पट्टी है, दिखता नहीं है। पेट के अंदर हर समय 2 liter पानी है जो कि हर समय कॉन्स्टेंटली वो डायलिसिस का प्रोसेस कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इम्प्योरिटीज का अक्रॉस अवर ओन बॉडीज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, मीनिंग हर समय हो रहा है। एम्बुलेटरी मीन्स पेशेंट चल फिर रहा है, और पेरिटोनियल डायलिसिस मीन्स हमने पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की मदद ली। दिस इज कॉल्ड CAPD, कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो एक मशीन अवेलेबल है जो रात को मशीन लगा के आप सो जाओ, लंबी सी मशीन, उसकी पाइप्स होती हैं, तो इंसान अगर वॉशरूम भी जाना है आधी रात को भी चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, और रात भर में कंफर्टेबली डायलिसिस हो जाता है, सुबह वो फ्री है। दैट्स द इनोवेशन। लेकिन मैं जो मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ये पेशेंट हमारे अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहले आता है, अरे भैया ये क्या करने जा रहे हो, पेट के अंदर नली, अरे पहले दिन इन्फेक्शन हो जाएगी, अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे चलोगे आप, काम ही नहीं कर, निकम्मे हो जाओगे। नाउ आई वांट ऑल दीज पीपल टू एटलीस्ट मीट अप विद दोस पेशेंट्स ऑफ माइन हु हैव लिव्ड ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस फॉर ओवर 15 years, 15 साल के कहीं पेशेंट्स हो गए। सो
थोड़ा अटपटा लगता है कि आज की डेट में भी पेरिटोनियल डायलिसिस, हमने आई डिड माय फर्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस ऑन अ पेशेंट इन वे बैक इन 1995-96, सो 24 साल होने को आए, आज भी हम वैसी ही प्रिमिटिव बातें करते हैं कि ये ठीक नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक रिमोट एरिया, अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में एक पेशेंट रहता है, 250 किलोमीटर तक हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मशीन नहीं है। बिहार के कुछ रिमोट एरियाज हैं जिनके पास नियरेस्ट प्लेस फॉर डायलिसिस इज पटना, और उनको पटना पहुंचने में 250 किलोमीटर लगता है। कैन यू इमेजिन 250 किलोमीटर 2-3 टाइम्स इन अ वीक अप एंड डाउन, आप और कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ बून, वो घर बैठे हुए करेंगे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, बाजार से सामान खरीदना है और खुद करना है, और खुद आप जब अपने इंसान की, अपने परिवार वालों की सेहत का आपको ध्यान होता है तो आप और भी ज्यादा ख्याल करते हो एंड यू मेक श्योर कि इन्फेक्शन ना हो। तो एक ही डर है कि पानी डालोगे, हाथ लगाओगे, कोई इन्फेक्शन हो जाएगी। और मैं वो बताना चाह रहा हूँ, कई लोग हैं जिनको 10-10 साल से ऊपर हो गए हैं, एक भी एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं हुआ। दूसरा, पेरिटोनियल डायलिसिस उनके लिए बहुत कामयाब है जिनके हार्ट बहुत कमजोर है, जिनको हार्ट की पंपिंग कम है, उनको हार्ट बहुत कमजोर है। तो हीमोडायलिसिस में जब मशीन स्पीड पे चलती है तो बॉडी में अप्स एंड डाउन्स ब्लड प्रेशर के काफी ज्यादा आ जाते हैं, एंड दीज आर द पीपल जहां पे हीमोडायलिसिस मे नॉट बी एज एडविजिबल एज दिस पेरिटोनियल डायलिसिस। तो उन पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक और बात, जिनके फिस्टुला नहीं बन सकता, जिनकी ये सारी लाइंस खराब हो चुकी हैं, ब्लड वेसल्स खराब हो चुकी हैं, उनका हम हीमोडायलिसिस करेंगे कैसे, उनके लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत बढ़िया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, कुछ कंट्रीज जहां पे स्टेट फंडेड है, कंट्रीज लाइक मेक्सिको, थाईलैंड, हांगकांग, और माइंड यू थाईलैंड और हांगकांग के डायलिसिस के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दीज आर द कंट्रीज जहां पे इट्स अ पीडी फर्स्ट पॉलिसी, आप चाहे हीमो करना भी चाहोगे आपको स्टेट अलाउ नहीं करेगी, यू विल हैव टू आफ्टर कंपल्शन गोइंग फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, अनलेस कि आपका पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों का हीमोडायलिसिस नहीं हो सकता तो कुछ लोगों का पेरिटोनियल डायलिसिस भी नहीं हो सकता। मान लो पेट में ऑपरेशन हुए हैं, खूब सारे ऑपरेशन हुए हैं, अंदर सारे कंपार्टमेंट बन चुके हैं, जगह ही नहीं है, कैथेटर कहाँ डालोगे, पानी कहाँ डालोगे, ठीक है। कईयों के हर्निया बने हुए हैं, तो कुछ ऐसी पुराने प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, या फिर घर में कोई करने वाला नहीं है डायलिसिस, पेशेंट की विजन ठीक नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो कहेगा कि मैं आई वुड रादर गो टू अ नियर बाय डायलिसिस यूनिट, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं कर सकता। सो ये केस बाय केस बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये बहन भाई हैं, ये आपस में दुश्मन नहीं है, ये आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हफ्ते में 5 दिन ये वाला हीमोडायलिसिस करते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं और एक दिन आके हीमोडायलिसिस कर लेते हैं, कुछ उसके फायदे उठा ले, कुछ उसके फायदे उठा लिए। सो मिलजुल के काम होता है, और ऐसा करने से 5 साल उसके, 5 साल उसके, फिर 5 साल वापस उसके, लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग, बिकॉज जब मजबूरी आ गई है, जब सिर पे मुसीबत आ गई है, अब हमने देखना है व्हाट इज द बेस्ट वे आउट, रादर देन लेमेंटिंग ओवर द फैक्ट कि अरे अब हमारा क्या होगा, जैसे आपने बताया अब हमारा क्या होगा, अब हमारी डायबिटीज हो गई, अब पहले ख्याल नहीं किया और अब हम पछता रहे हैं। मेरा कहना है अब पछताने का फायदा नहीं है, अब संभलने का फायदा है। अब नाउ यू हैव टू गियर अप फॉर द चैलेंज अहेड एंड टेक इट एज अ चैलेंज एंड ऑल दैट आई कैन टेल ऑल माय पेशेंट्स टुडे इज दैट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन यू, वी एज डॉक्टर्स कैन गारंटी दैट यू कैन लीड अ वेरी गुड लीज ऑफ लाइफ। पर बाकी कंट्रीज में जो होम कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट काफी देर से प्रेवलेंट है, जो हम हीमोडायलिसिस जो हॉस्पिटल में हम करते हैं ब्लड का, सेम मशीन्स घर में भी लगा दी जाती हैं।